नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ सुरक्षा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो विवादों के निपटारे के लिए क्या है वैकल्पिक उपाय। इसके साथ ही अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन खुल चुके हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, और क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं, विवादों के निपटारे के लिए क्या है वैकल्पिक उपाय। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने है, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। या तो विवादों के निपटारे के लिए क्या वैकल्पिक उपाय हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ इस वक्त दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नोएडा स्टूडियो से आदित्य शर्मा है, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, जबकि इलाहाबाद से जीतेंद्र नायक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत आदित्य शर्मा मैं आपसे ही करना चाहूंगा, इस कानून से जुड़े क्या कुछ प्रावधान हैं? हिंदुस्तान में, इंडिया में, हमारा जो देश है उसमें कानूनी तौर पर कोर्ट के बाहर एक ये मौका दिया गया है, और आज से ही नहीं, बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारी, जब हम एक अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्बिट्रेशन की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब आर्बिट्रेशन को वो लाए, उसके भी पुराना अगर आप जाएं तो हमारे यहाँ पंच मिलकर, पांच एल्डर्स एक गांव के बैठकर एक किसी भी झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते थे, बजाय कि उसको कोर्ट में ले जाके ड्रैग करने के। आज की डेट में हमारे पास अलग अलग पांच तरीके मौजूद हैं, पांच विकल्प हैं जिसमें से हम झगड़े को सुलझाया जा सकता है। सबसे पहला है लोक अदालत, दूसरा है नेगोशिएशंस जहां पार्टी नेगोशिएट्स करती हैं, तीसरा है कंसीलिएशन जहां पार्टी आपस में बात नहीं करती हैं, पार्टीज एक किसी बुजुर्ग से, किसी एल्डर से, किसी कंसीलिएटर से जो दोनों पार्टीज को समझ सके, समझा सके, उनसे बात करती हैं और प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करती हैं। चौथा है कंसीलिएशन, नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के अंदर दोनों पार्टीज अपना, मतलब 1996 का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है जो अनसिट्रॉल मॉडल पे बेस है, उसके हिसाब से अपना आर्बिट्रेटर चुनती हैं। यूजुअली ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा गया है कि पार्टीज पहले ही एग्री कर लेती हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोर्ट जाने से पहले या तो कंसीलिएशन करेंगे जहां हम दोनों लोग आपस में मिलकर बात करेंगे और प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और अगर कंसीलिएशन फेल हो जाता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, वहां हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, हो सकता है तीन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, एडहॉक हो सकता है, ये एडहॉक के अलावा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चरल आर्बिट्रेशन हो सकता है, जैसा भी पार्टीज सहमति से एग्री करती हैं वो पहले ही तय करेंगी और फिर आर्बिट्रेशन जाकर उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेट करके खत्म कर दिया जाएगा और वो कोर्ट में मान्य होता है, उसमें कोर्ट में बाइंडिंग होता है। चलिए, बिल्कुल, और भी हम तमाम बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। अपने दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई विकल्प, कोई रास्ता अगर आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और जो आज का विषय है वो विवादों के निपटारे के लिए क्या वैकल्पिक उपाय हैं, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जितेंद्र नायक जी, मैं आपके पास आऊंगा, किस किस तरह के केसों का निपटारा हो सकता है?
जितेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आदित्य, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि किस किस तरह के मामलों को इसमें शामिल किया जा सकता है जो कोर्ट के बाहर ही समस्या का समाधान हो जाए। जी, इसमें हमको सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से निपटारा करना चाहते हैं, किस तरीके से हम विवाद को खत्म करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में विवाद है, वो मीडिएशन करके भी खत्म हो सकता है। जब वो किसी मीडिएटर के पास कोर्ट में जाते हैं, मीडिएशन में उनको बुलाया जाता है, आपस में मीडिएटर उन दोनों के बीच में एक रजामंदी का एक एग्रीमेंट बना दिया जाता है जहां दोनों की शर्तें मान ली जाती हैं और दोनों राजी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं वो दोनों कंसीलिएशन कर सकते हैं, अपने दोनों घर के बुजुर्गों के सामने बैठ के अपने विवादों को सामने रख के बात करके खत्म कर सकते हैं। वहीं वो दोनों आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं, साथ में बैठ के बात कर सकते हैं और विवादों को खत्म कर सकते हैं। वैसे तो हर तरीके का विवाद, सिविल इवन क्रिमिनल विवादों में भी हम लोक अदालत के सामने जाके उसको खत्म किया जा सकता है, विवादों को निपटाया जा सकता है। तो बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल विवादों को खत्म किया जा सकता है। अपराध अगर संज्ञेय हो, यही मैं आ रहा हूं, अगर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अगर कंपाउंड ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, जिसमें कोर्ट को पावर है कि केस को खत्म किया जा सकता है, जिसमें दोनों पार्टी की रजामंदी हो सकती है, ऐसे विवादों को खत्म किया जा सकता है। जैसे जो विवाद, जैसे अगर किसी कोई मर्डर का केस है या कोई रेप का केस है, जो बहुत ही संगीन विवाद, संगीन तरीके का जुर्म है और विवाद नहीं है, उस जुर्म को कोर्ट खत्म नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको आपकी सजा भुगतनी पड़ेगी और आपको अपना जो टर्म, जो भी कोर्ट आपको अगर दोषी पाता है तो बिताना पड़ेगा। पर यहां सिविल विवादों का सवाल है, हर तरीके का सिविल विवाद, चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे हजारों रुपयों का घोटाला हो, चाहे बड़ी कंपनियों के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे एक छोटा सा डिस्प्यूट हो और एक पान की दुकान पे जो विवाद हो जाता है, एकदम छोटा मामूली डिस्प्यूट हो, दोनों ही विवाद खत्म किए जा सकते हैं। पर यह डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं, पांचों में से या पांचों को मिला जुला कर। हो सकता है पहले आप आपस में बात करें, फिर आपस में बात नहीं बने तो आप किसी बीच तीसरे आदमी से बात करें, उनसे भी बात ना बने तो किसी समझाने वाले को बुलाएं, वो भी फेल हो जाए तो आर्बिट्रेशन करके एक परमानेंट अवार्ड ले लें। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या, किस मोड के अंदर आप जाते हैं, पर हर तरीके का सिविल डिस्प्यूट खत्म किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, हम इसकी और भी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, आप अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। मुरली मनोहर जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जितेंद्र नायक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लोक अदालतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए? लोक अदालत की भूमिका, जो आजकल पेंडेंसी की बात है न्यायालय में कि मुकदमे बहुत पेंडिंग है, जी जी, और पेंडेंसी में जो गिनती में है वो बहुत से छोटे छोटे ऑफेंसेस के मुकदमे या सिविल डिस्प्यूट जी, वो भी उसमें गिनती में आते हैं। तो लोक अदालत में वो जो मुकदमे आपस में मिल बैठ के कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, वो मुकदमे भेज करके तुरंत उसका निपटारा हो जाता है। जी जी, इंडियन पेनल कोड बनते समय या सीपीसी बनते समय, उस समय के कानून के ज्ञाताओं ने बिल्कुल इस बात को ध्यान रखा है कि आदमी को न्यायालय में न जा करके अगर वो चाहे तो मिल बैठ के अगर बातें सॉल्व कर ले तो उस मुकदमे का निपटारा हो जाए। जी जी, क्रिमिनल केसेस को भी दो तरह से बांट दिया गया है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल का मतलब हो गया कि जो इन्फॉर्मेंट या जो कॉम्प्लेनेंट या शिकायत करता है जी, और जो एक्यूज्ड है, अगर वो चाहे तो मिल बैठ करके बात कर ले और उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो जाए। जी, जैसे डिसऑनर ऑफ चेक का मैटर है, 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये वैसे तो पेनल ऑफेंस है लेकिन 2 साल की सजा या दोगुना इसका पनिशमेंट या दोनों इसमें लॉ में प्रोवाइडेड है जी, लेकिन इस एक्ट का मिसयूज ज्यादा होता रहा तो इस चीज के लिए कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया गया इसको। और कंपाउंडेबल ऑफेंस बना करके ये कहा गया कि अगर चेक इशू करने वाला और जो मुलजिम अगर मिल बैठ के बात कर ले तो उसको लोक अदालत में भेज करके मुकदमे डिसाइड कर दिए जाए। जी, आप देख रहे होंगे कि इधर कई सालों से राष्ट्रीय लोक अदालत भी बैठती है जिसमें एक ही दिन, जैसे अभी पिछली बार
12 जुलाई को बैठी थी शनिवार के दिन, नहीं 14 जुलाई को शनिवार के दिन, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत थी और पूरे हिंदुस्तान भर ने भारत भर की कोर्ट्स में लोक अदालतें बैठी और उसमें इंश्योरेंस के मैटर जी, फैमिली डिस्प्यूट्स, छोटे मोटे मारपीट की, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैटर, ये सब मैटर बैठ करके डिसाइड हो गए और वो वन टाइम डिस्पोजल हो गया। इससे कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी की जो संख्या है ये भी, इसमें भी काफी गिरावट आई है। तो लोक अदालत का तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे ज्यूडिशरी में और डिस्पोजल करने में। चलिए और भी हम बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे इस प्रक्रिया से संबंधित। अपने दर्शकों से भी हम बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और साथ ही जो हमारा आज का विषय है वो विवादों के निपटारे से जुड़े वैकल्पिक उपायों से संबंधित है। इससे भी जुड़ा कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आदित्य आपके पास आऊंगा। क्या विवादों को निपटाने की ये प्रक्रिया, ये कहा जा सकता है कि वक्त की डिमांड भी है, जिस तरह से केस पेंडिंग पड़े हुए अदालतों में, एक बेहतर रास्ता है? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इसको रिड्यूस करने का, कोर्ट के ऊपर से बर्डन हटाने का ये बहुत ही एक जरूरी माध्यम है और आज की डेट की डिमांड है कि इस तरीके के माध्यम को लोग अपनाएं और लोग इसको समझें, क्योंकि सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस। जब तक लोग इसे अपनाएंगे नहीं तब तक ये आगे बढ़कर नहीं आ सकता। ये जब लोग इस मामलों को सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे तभी लोग इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी निपटारा किया जा सकता है और कोर्ट के ऊपर से बर्डन हटाया जा सकता है। ये बहुत ही, इसके कई फायदे हैं। नंबर एक, लोगों का इसमें खर्चा नहीं होता है, आप कोई लिमिटेड आपके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगती, आपको आपका वकील करने की जरूरत नहीं है। आप एक जज के साथ, जैसे अगर आप लीगल सर्विस अथॉरिटी में बात करते हैं तो जो कंसीलिएटर बैठे हैं, कोई या तो सिटिंग जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे, साथ में एक और सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे या सीनियर मेंबर ऑफ पब्लिक होंगे जो सुन रहे हैं, आप उनसे वन टू वन अपनी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीती है, जो कोर्ट में नहीं हो पाता है, जो एविडेंस के प्रोसीजर के दायरे में अपने आप को बांध कर चलता है, जो प्रोसीजर से चलता है, जो यहाँ बहुत ही लीनियंट होता है। दूसरा, इसमें समय कम लगता है, तो इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, इसमें सरकार का, जज का और बाकी जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबका समय बचता है और टाइम भी बचता है, टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है जी। तो इससे सिर्फ आपका ही नहीं पूरे समाज का फायदा होता है। कानूनी मान्यता है? बिल्कुल, इसकी कानूनी मान्यता है और इसकी कोई, अगर उनका फाइनल ऑर्डर दोनों के कॉम्प्रोमाइज से आता है तो उसकी कोई अपील नहीं है, तो दोनों पार्टी बाद में इसको नहीं मोड़ सकती। इस आपके सवाल से कि कानूनी मान्यता है और पिछली जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, जो चेक बाउंस के केसेस हैं जो लोक अदालत में उनकी बात की गई है, उसमें 2011 में जस्टिस सतासिवम और जस्टिस चलवेश्वर में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया था आपका के एन गोविंदन कुट्टी मेनन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसकी ना ही मान्यता है, इसकी क्रिमिनल कोर्ट में जो ऑर्डर होता है उसकी सेम वैल्यू है और उसकी एग्जीक्यूशन की जा सकती है। तो अगर जैसे चेक बाउंस के केस में पार्टीज एग्री करती हैं और एक पार्टी कहती है कि सर बचा हुआ पेमेंट मैं आपको 3 किश्तों में दे दूंगा और बाद में वो उससे मुंह कर जाती है, तो आप कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उस पार्टी को फोर्स कर सकते हैं कि वो बचे हुए पेमेंट दे और कोर्ट आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कानून से बच के इससे निकल सकते हैं और इसको गुमराह कर सकते हैं, नहीं, आप एकदम समय बाध्य होकर इसमें आपको रिलीफ मिलता है और वो रिलीफ परमानेंट होता है, कोई आपसे उसको अलग नहीं कर सकता। मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि एक बेहतर उपाय है, लोगों को इसके प्रति जागरूक भी होना चाहिए और इस तरह के अगर विवाद छोटे मोटे होते हैं तो उनको अगर अदालतों के बाहर सुलझा लिया जाए तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर कोई अपने विवाद का निपटारा चाहता है तो उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत से लोगों में इस बात को लेकर जानकारी नहीं होती है कि लोक अदालत में जाएंगे तो कहां पर उन्हें किनसे मिलना है, कैसे आवेदन करना है, तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। ये दंड सिविल सीपीसी में या सिविल प्रक्रिया संहिता जिसको कहते हैं, इसमें सेक्शन 89 का प्रोविजन है जी, और इसमें ये जज की ड्यूटी है कि अगर जब केस आता है तो वो पार्टीज को पूछे कि आप इसपे मिल बैठ करके तो नहीं निपटारा करना चाहते हैं। तो सेक्शन 89 सीपीसी पर्टिकुलर प्रोविजन है जी।
तो पार्टी प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट उसमें जो भी है वादी या प्रतिवादी, तो कोर्ट पे दरखास्त दे सकता है कि साहब मुकदमा को आगे बढ़ाने के पहले हम चाहते हैं कि हमारी मीडिएशन के थ्रू बातचीत करके मुकदमा तय कर दिया जाए जी। तो अब कोर्ट में एक्सपर्ट मीडिएटर्स भी होते हैं हर लेवल पे, फैमिली कोर्ट में भी है, सिविल कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है जी। तो एक्सपर्ट मीडिएटर से उनकी लिस्ट है, उस केस को मीडिएटर के पास भेज दिया जाता है, दोनों पार्टीज जाती हैं, अपनी बातें बताती हैं, और जो बातें बताती हैं वो एविडेंस एक्ट में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, वो उस हिसाब से मीडिएटर एक डिसीजन ले लेता है, दोनों पार्टीज बैठ करके एग्रीमेंट साइन कर देती हैं जी। वो एग्रीमेंट कोर्ट में आता है और कोर्ट में उस एग्रीमेंट के बेसिस पे डिग्री पास हो जाती है। और मान लीजिए फैमिली कोर्ट के लिए, मीडिएटर्स के लिए, श्रीवास्तव जी मान लीजिए एक पक्ष अगर तैयार नहीं है कि वो कोर्ट के बाहर वो इस तरह के विवाद का निपटारा नहीं चाहता है, तो क्या ये कोई बाध्यता होती है कि नहीं, उसे लोक अदालतों में जाना पड़ेगा या फिर वो चाहे तो मामले को अदालत तक ले जा सकता है? ये प्रक्रिया जो मीडिएशन कॉन्सिलिएशन या इससे तय होनी है, इसमें दोनों पार्टीज की सहमति आवश्यक है। अगर एक पार्टी कहती है कि हम मीडिएशन में नहीं जाएंगे तो कोर्ट cannot compel him to go for mediation. इसलिए दोनों पार्टियों की सहमति जरूरी है। चलिए बिल्कुल, और भी हम तमाम सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यायालय में आदेश भी दिया है कि जो फैमिली डिस्प्यूट के मैटर है या 498 ए के मैटर है, दहेज प्रक्रिया के जो मैटर है प्रताड़ना के, वो कोर्ट में मुकदमा चलने के पहले मीडिएशन किए जाएंगे उसके, ताकि जो परिवार टूट रहा है वो परिवार बच सके। उस परिवार में मान लीजिए बच्चे हैं, उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है डाइवोर्स के बाद या हस्बैंड या वाइफ को जेल में जाने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब मद्देनजर रखते हुए बीएल जोशी के केस में यह निर्णय दिया है कि पहले फैमिली कोर्ट में जाकर के या मीडिएशन में जाकर के पहले इसको तय किया जाए, और मीडिएशन अगर फेल हो जाता है उसके बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जेल जाने की या कोई बहुत बात। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एफआईआर लिखा दे उस दहेज के लिए तो सीधे हस्बैंड को अब जेल भेज दिया, अब कानून में बदलाव आ चुका है। चलिए बिल्कुल, और लोगों को जागरूक होना भी बेहद जरूरी है अपने अधिकारों के प्रति कि कानूनन क्या कुछ अधिकार उन्हें हासिल है, अगर जागरूक होंगे तो उन अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई विकल्प, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक उपाय क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आदित्य, मान लीजिए कि इस तरह की लोक अदालतों के माध्यम से या फिर आप कह रहे हैं कि अदालत के बाहर अगर मीडिएशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से अगर विवाद को सुलझाया जाता है, अगर विवाद का निपटारा होने के बाद अगर एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो क्या इस मामले को वो ऊपरी अदालत तक ले जा सकता है? देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, मैंने आपको इसे शुरुआत में बताया कि 5 अंग है, लोक अदालत, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन और लोक अदालत में ऑर्डर पास किया जाता है जी, लोक अदालत में सहमति से, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं उसको, दोनों पार्टीज अपना पक्ष रखती हैं, सुनवाई होती है, उसके बाद जैसे कोर्ट ऑर्डर पास करती है उस तरीके से आर्बिट्रल अवार्ड पास होता है जी। इन दोनों अवार्ड में जो आर्बिट्रल अवार्ड हुआ या लोक अदालत का जो ऑर्डर हुआ, ये अपने आप में फाइनल होते हैं, पर इनमें लिमिटेड ग्राउंड में चैलेंज होता है। वैसे तो चैलेंज नहीं होता है, पर बहुत ही कम लिमिटेड ग्राउंड में इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। बचे हुए 3 मीडिएशन, कंसीलिएशन और नेगोशिएशन, ये नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। इसमें दोनों पार्टीज आखिरी में एक सहमति से एक अग्रीमेंट पे आती हैं, दोनों पार्टी एग्री करती हैं अपनी अपनी कंडीशंस में, और फिर उन कंडीशंस के बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर पास करता है। जैसे हम अभी फैमिली डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, घरेलू झगड़ों की बात कर रहे थे, घरेलू झगड़ों में अगर हस्बैंड वाइफ नेगोशिएशन से चाहे करें, चाहे कंसीलिएशन से, चाहे मीडिएशन से, अगर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं या एक एग्रीमेंट पे आते हैं जो कोर्ट के सामने लाते हैं, एक प्रस्ताव देते हैं कोर्ट को कि हमारी ये शर्तें हैं और दोनों लोग इन शर्तों को मान रहे हैं, तब कोर्ट उन शर्तों को अपने ऑर्डर में रखकर ऑर्डर पास करती है कि भाई ये शर्तें रहेंगी, और ऐसे ऐसे दोनों पार्टीज उन शर्तों को पूरे स्पिरिट के साथ फॉलो करेंगे। अब जब
इस तरीके का ऑर्डर पास होता है तो उस ऑर्डर की वही वैल्यू होती है जैसी किसी और कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू हो। जी जी। तो जिस तरीके से अब एक बार जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है ऑर्डर में, तब वो जुडिशियल ऑर्डर है और उसको चैलेंज उसी तरीके से करेंगे, अपील उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आप बाकी किसी जुडिशियल ऑर्डर को करेंगे। तो एक बार जब इन तीनों ही तरीकों से, या तो आप जुडिशियल ऑर्डर पास हो, आर्बिट्रल ऑर्डर पास हो, या लोक अदालत का ऑर्डर पास हो, ऑर्डर पास होने के बाद ये दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है और दोनों पार्टीज को इसको फॉलो करना होता है। नहीं करना अगर चाहे या एक पार्टी इसमें पीछे जाना चाहे और उस ऑर्डर से उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करना चाहे, तो उसमें जुडिशियल ऑर्डर में कंटेम्प्ट हो सकती है, आर्बिट्रल ऑर्डर में उसको कोर्ट एग्जीक्यूशन में जाके उसके ऊपर खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और लोक अदालत में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है क्योंकि लोक अदालत की नॉर्मल तरीके से जनरल रूल ये, थंब रूल ये है कि लोक अदालत से कोई अपील नहीं होगी, लोक अदालत इज फाइनल ऑर्डर, परमानेंट ऑर्डर, तो वो फॉलो करना ही करना है, तो हायर कोर्ट्स उसको डायरेक्शंस पास कर सकती हैं और उसको फॉलो करवाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो रहा है। मुरली मनोहर जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा ताकि दर्शकों को भी बेहतर जानकारी भी मिल पाए कि विवाद समाधान की जो ऐसी विधियां हैं जिन पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, कानूनी मुकदमों की तुलना में कितना फायदेमंद साबित हो सकती हैं या फिर हो रही, ये अब लोग जागरूक हो रहे हैं। ये भारत के अलावा बाहर की कंट्रीज में तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन बहुत पहले से मान्यता दे दी गई है जी, और वहां एक्सपर्ट मीडिएटर भी होते हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस ना करके पार्टीज उनके पास आती हैं, मीडिएट करते हैं। अब 2007 और 10 के बाद काफी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जस्टिस कार्डजू थे उनके पहल पे काफी ज्यादा मीडिएटर्स को ट्रेनिंग दी गई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और मीडिएशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है क्योंकि जैसा अभी अधिवक्ता आदित्य जी ने बताया जी, कि इसमें एक तो पैसा कम लगता है पार्टीज का, पार्टीज खुल के सामने आ जाती हैं और ये जो भी केस होता है वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाता है जी जी, इसकी जो जजमेंट होगा उसके खिलाफ अपील नहीं है, रिविजन नहीं है, उसकी ब्रांचेस नहीं है, तो आप ये समझिए कि आप उस मुकदमे से हमेशा के लिए मुक्त हो गए, आप मेंटली फ्री हो गए, सोशली आप फ्री हो गए, और जो भी डिसीजन होना वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। और सबसे बड़ी बात कि कोई जज या कोई मीडिएटर आपके ऊपर जजमेंट थोपता नहीं है जी जी, ये दोनों पार्टीज बैठ करके एक एमिकेबल डिसीजन पे पहुंचती हैं कि हम दोनों में ये करेंगे। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, अगर वो अलग होना चाहते हैं या साथ रहना चाहते हैं तो उनकी टर्म्स हो जाएंगी जी जी, वाइफ हस्बैंड कहते हैं हम लोग अब अलग रहेंगे, हमारा डाइवोर्स चाहिए और एक परमानेंट एलिमनी हमको दे दी जाए, चीजें खत्म। तो इस तरह से दोनों पार्टियां मिल करके अपना जजमेंट खुद करती हैं। चले बिल्कुल, यानी कि लोगों को सिर्फ जागरूक होने की भी जरूरत है और जो प्रावधान है कि आप बगैर मुकदमा चलवाए भी कोर्ट के बाहर अगर विवाद की स्थिति होती है तो उसका अगर आप निदान चाहते हैं तो बचता है। कमियां हमारी तरफ से हैं, कानून की तरफ से इसमें कमियां नहीं है, कानून की तरफ से फैसिलिटी ही है कि आप कोर्ट के बाहर बहुत जल्दी एक निदान प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी जितनी मुसीबतें हैं उसे छूट सकती हैं। कमियां ये हैं, कोर्ट एक तरीके कई बार जनता इस माध्यम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, समय व्यर्थ करने की कोशिश करती है, एक बैड इंटेंशन से, बिना बोनाफाइड के, बिना एक अच्छे उद्देश्य के साथ वो नेगोशिएशन करने टेबल पर आते हैं। वहां वो कोशिश ये होती है कि भाई हम नेगोशिएशन के नाम पर दो तीन डेट कोर्ट की खराब कर दें या 6-7 महीने 4 महीने समय मीडिएशन के नाम पर निकाल दें और मामलों को और उलझाए रखें और सुलझाए ना। अगर हमारी नीयत सही होगी तो ये बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छे प्रावधान है और इनसे सभी लोगों को बहुत जल्दी जस्टिस मिल सकता है। बिल्कुल, नीयत की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद तो होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके सामने मौजूद रहते हैं अपनी इस खास पेशकश के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।